मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं सोचती रही, मैं रात भर सो नहीं सकी। जब मैं अपनी बेटी की तरफ चेहरा करती थी तो मुझे उसकी आंखों में अपनी बेटी की आंखें नजर आ रही थी, मुझे जैनब का चेहरा अपनी बेटी के चेहरे में नजर आ रहा था। और फिर जब मैं अगले दिन ऑफिस गई, जिस दिन ये शो किया है मैंने, उस दिन जैनब की वालिदा वापस आ रही थी उम्रे से, और जो उनकी कंडीशन मैंने देखी, सिर्फ कुछ लम्हात लगे मुझे ये सोचने में कि खुदा ना खास्ता अगर इस जगह मैं होती तो ये तो फिर भी चल पा रही हैं, बात कर पा रही हैं, मैं तो शायद कुछ भी नहीं कर पाती। और मैंने उस दर्द को महसूस किया, और ये दर्द था जो मैंने फील किया, उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर आई। और मैं बताना चाहती थी लोगों को कि मेरी बेटी मेरा फखर है। जो दुनिया में जिसकी बेटियां होती हैं, जो बच्चे होते हैं, वो हमारा फखर होते हैं, हमारा गुरूर होते हैं। आप हमारे फखर के साथ ये करेंगे? आप हमारे फखर के साथ उन्हें रेप करेंगे? आप उन्हें कचरे में भी फेंकेंगे? हम जंगल में नहीं रहते हैं, हम इंसान हैं, ये बच्चे हैं, हमारे बच्चे हमारा फखर है। तो मैं अपने फखर के साथ बैठी थी जैनब के लिए आवाज उठाने के लिए। और मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद शायद मैं थोड़ी बहुत कामयाब हुई हूँ कि आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं और काफी सारे लोग मुझसे बात कर रहे हैं। अपने हमें ये मशवरा दे दिया जाता है कि जी आप अपने बच्चों को सिखाएं, आप अपने बच्चों को बताएं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। मैं अपनी 6 महीने की बेटी को कैसे बताऊं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है? लोगों के पास, या यकीनन इंडिया के पास, या बहुत सारी दुनिया में जहां जहां लोग रहते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके पास अब इतना दिल नहीं बचा है कि वो रोजाना ऐसे वाकयात देखते रहें, रोजाना अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाएं और वो कब्रों में दफन करें, और सिर्फ ये सोच के रह जाएं कि शायद शायद वो जालिम, वो खबीस इंसान पकड़ा जाएगा। तो अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसीलिए पूरे पाकिस्तान के लोग बाहर निकले हुए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है कि जिस तरह से इंडिया इस मामले को हाईलाइट कर रहा है और इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हो रहा है, ये सरहद के उस पार आपके मुल्क में हो रहा है, बस अब इसे खत्म होना चाहिए।